इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री भी बहुत प्रोत्साहित है, उनको आपका सहयोग चाहिए। जिस प्रकार से आप काम करते आए हैं, अगर इसी तेजी से आप आने वाले सालों में काम करते रहेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि बहुत शीघ्र हम जो अगला युद्ध लड़ने जा रहे हैं, या अगर हमारे को युद्ध की चुनौती का सामना करना पड़ता है, तो हम आत्मनिर्भर भारत के तहत हिंदुस्तान में बनाए गए हथियार और असला से लड़कर विजयी निकलकर उभरेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, कल ही हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जिसमें तकरीबन 30,000 करोड़ के हथियार और अन्य जो एमुनिशन इक्विपमेंट, उनकी स्वीकृति माननीय रक्षा मंत्री ने दी है। इसमें से 90% जो इक्विपमेंट और हथियार जो बनाए जाएंगे, वो सब मेक इन इंडिया भारत में ही बनाए जाएंगे, और इन सब में DRDO का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।